Audio Jungle. स्टूडेंट्स देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020। अब ये स्टूडेंट यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट का आपका गणित है, ये यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट की गणित है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 घंटे का टाइम मिलता है, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, और 100 नंबर का पेपर आता है स्टूडेंट्स। इसमें कुल 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उसको छोड़ दीजिए, उसमें टाइम बर्बाद ना कीजिए, बाद में टाइम मिलता है तो आप उसको देख लीजिए। तो अब स्टूडेंट यूपी बोर्ड की हमारी ये पहली वीडियो है, हम बना रहे हैं, इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके स्टूडेंट। अब देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि फलन f such that r to r, यानी f ऐसा है कि r से r में को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जैसे ये लिखा गया है कि f such that r to r, ठीक है, तो ये स्टूडेंट कहलाता है डोमेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं परिसर, ठीक है। तो ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक्स लिखा है तो ये डोमेन है और ये आपका रेंज है, ठीक है, तो इस तरीके से समझिए। अब इसमें हमें बताना है कि क्या फंक्शन जो है यानी फलन एकैकी है, एकैकी आच्छादक है, यानी एकैकी भी और आच्छादक दोनों होगा तब हम कहेंगे कि फलन एकैकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, ठीक है। तो बहुएक आच्छादक क्या होता है कि अगर एक ही, ठीक है, वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है यानी अलग अलग होती है तो हम उसको बोलते हैं बहुएक। बहुएक का मतलब है जब एक के एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। फिर तीसरा है एफ एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना आच्छादक है। तो चलिए इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। तो देखिए एकैकी के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू को माने और इससे हमें एक्स वन बराबर एक्स टू फाइंड हो जाए, क्या फाइंड हो जाए, एक्स वन बराबर एक्स टू फाइंड हो जाए, तो हम कहते हैं कि फलन एकैकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लिए, तो एफ एक्स वन का मतलब यहाँ क्या है, देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स एक्स वन लिख दोगे तो एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर। इसी तरीके से एफ एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का, इस दोनों की वैल्यू रख दी तो इससे क्या आपको मिल गया, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया स्टूडेंट, ठीक है, नहीं एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ये स्टूडेंट ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसको हमें ये इस तरीके से यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्यों नहीं हो पाएगा, उसका एक रीजन है, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से ना करके, ठीक है, आपको दूसरी टेक्निक से बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट एक्स की दो वैल्यू ले ली, एक वन ले ली एक माइनस वन ले ली, तो x बराबर 1 के लिए हम f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और यहाँ पर f माइनस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 1 आया। तो अब स्टूडेंट्स दो अलग अलग x के दो अलग अलग मानों के लिए fx का मान सेम है, क्या है, ठीक है, fx का मान क्या है, यहाँ भी 1 आया यहाँ भी 1 आया, तो इसलिए फलन क्या है, एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है, ठीक है, क्या है, एकैकी नहीं है, ये है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे इस डेफिनेशन से करने में स्टूडेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जब भी स्क्वायर दिया हो, अगर यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब होता
तो वन वन हो जाता है, यानी एक एक ही हो जाता, तो एक एक ही नहीं है। अब बात हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट, x क्या है रियल नंबर है और एफ एक्स क्या है ये भी रियल नंबर है, क्योंकि एफ सच देट आर टू आर है, यानी जो फलन एफ है वो आर से आर में परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेंगे, ठीक है। तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर जो रूट थ्री है, ठीक है, वो आपका रियल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रियल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे इसमें अप्रोक्सीमेशन करें तो ना तो एक ही की है, तो और इसमें एक ही की है थर्ड वाले में, तो इसलिए ना तो एक ही की है और ना आच्छादक है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए क्या है एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, हमने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन कौन सा, फोर करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है यहाँ पर ये दिया गया है, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं बचा है, तो हम नेक्स्ट पेज में आपको लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया गया है, ये है, ठीक है। अब इसका जो है इंटीग्रेशन करने के लिए हम कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहां से हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये आ गए स्टूडेंट्स, बस इसकी जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, देखिए वन वाई टू डी एक्स आ गया, और प्लस ये हो जाएगा वन वाई टू कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डीएक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई टू प्लस वन वाई टू, और कॉस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस सी, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई टू, और देखिए ये वन वाई टू और वन वाई टू मिला के फोर हो जाएगा, तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है स्टूडेंट, एक्स वाई टू प्लस वन वाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो प्लस में होता है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रतिअवकलज भी कहते हैं समाकलन को स्टूडेंट्स। अब देखिए गा है, कह रहा अवकल समीकरण की कोटि और घात हमें पता करना है, तो कोटि क्या होती है स्टूडेंट, कोटि के लिए जो इसका उच्चतम अवकलज होता है, उच्चतम अवकलज, ठीक है, तो यहाँ पे उच्चतम अवकलज क्या है, देखिए तीन बार ये है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है, तो जितनी बार उच्चतम अवकलज किया जाएगा वो उसकी कोटि होती है, ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी तीन, क्योंकि इसको तीन बार डिफ्रेंसिएशन किया गया, अवकलन तीन बार किया गया, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी तीन होगी, और इसकी जो पावर है इस वाले की, इसकी जो पावर है वो यहाँ पर कितनी है वन है, तो इसलिए इसकी जो घात हो जाएगी वो वन होगी, ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है, तो ये स्टूडेंट माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक होती है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा, ठीक है, और साइन
साइन एक्स का जो होता है, ठीक है, डोमेन वो माइनस पाई बाई टू से वो पाई बाई टू तक होता है, रेंज माइनस वन से वन तक होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स वाई है तो इसलिए इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। चलिए तो ये आपका, अभी एक क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें कह रहा है कि सदिश आई डॉट जे क्रॉस की, तो इसके लिए देखिए किस तरीके से हम बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर आई हो गया, यहाँ जे हो, जे कैप हो गया, यहाँ आई कैप हो गया, यहाँ पर ये के कैप हो गया, तो हम ऐसे एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो देखिए जब हम आई क्रॉस जे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के, और जब हम जे क्रॉस के की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएं उल्टा होगा तो वो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जे क्रॉस के आई के बराबर हो जाएगा और के क्रॉस आई, ठीक है, ये जे कैप के बराबर होगा। तो बस यहीं पे ये वैल्यू हमें लग देना, देखिए आई डॉट, अब जे क्रॉस के है तो इसकी वैल्यू ये आ गई आई कैप प्लस, अब जे फिर आई क्रॉस के है, ये है के क्रॉस आई दिया है तो आई क्रॉस के है तो उसकी वैल्यू माइनस जी आ जाएगी, ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया के कैप आई क्रॉस जी तो इसकी वैल्यू जी आ जाएगी के कैप, ठीक है। तो अब आई डॉट आई बराबर क्या होता है, वन होता है, तो वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो वन इसका आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया, वन आ जाएगा, ये थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपको जो इस तरीके से करना था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या देखिए, सभी खंड कीजिए तो समुच्चय ए बी में द्वि आधारी संक्रियाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए द्वि आधारी संक्रियाओं की संख्या जो होती है वो होती है 2n2। अब यहाँ पे n क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए कॉमा बी में दो एलिमेंट दिए गए तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, तो 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 हो जाएगी। फिर खावाले में जो है देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्चुअल में हमने स्टूडेंट साइन एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसमें हम चेन रूल यूज करते हैं, या उसको श्रृंखला नियम भी बोलते हैं चेन रूल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, ठीक है, और इसको एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई लिख दीजिए, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन टी आ गया, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला किस तरीके से हम ले दीजिए, होता ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, चूंकि वाई हमारा टी के टर्म में है और टी हमारा एक्स के टर्म में है, तो ये फॉर्मूला हो गया डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी अपॉन डी टी वाई की वैल्यू जो टी के टर्म में ये आ जाएगी साइन टी, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और टी की वैल्यू रख दीजिए तो टी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है, तो साइन टी का होगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कॉस टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये आ गया 2x कॉस और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हमने टी को क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सेकेंड का आपका का और खा हो गया। अब देखिए गा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट नहीं लगा है स्टूडेंट, अब जो यहाँ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम की दे रहे, इसका कह रहा है कि एन टी प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन करना है स्टूडेंट, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, इतने डी एक्स। तो देखिए इसको हम लिख सकते एक्स की पावर वन वाई टू डी एक्स, और इसको हम लिख सकते एक्स की पावर माइनस वन वाई टू डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है, जो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, इतना हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये एक्स की पावर आ जाएगा 3/2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, यहाँ पर भी 3/2 आएगा और यहाँ पर 1/2, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी,
ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स की पावर वन वाई टू, ठीक है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। अब देखिए ये घा हो गया, आप देखिए घा कैसे करेंगे, ये स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ए कंडीशनल बी, ठीक है। तो देखिए पी ए कंडीशनल बी बराबर क्या होता है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और जो नीचे रहता है ये बी है तो अपॉन पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, वन वाई फोर है, पी बी कितना दिया है, वन वाई थ्री है, तो ये आ जाएगा आपका थ्री वाई फोर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से देखिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ना इनमें कोई कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे फॉर्मूले अगर आपको स्टूडेंट याद हैं, ठीक है, आप लोग पहले सिंपल सिंपल चीजें पढ़िए, ठीक है, ज्यादा टिपिकल बाद में पढ़िए, पहले सिंपल चीजें सीखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, सभी खंड कीजिए, मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, देखिए एफ, ठीक है, रियल से रियल में है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब ये कह रहा द्वारा परिभाषित एक फलन है, यानी इस फलन को अपने आप में डिफाइन है, तो हमें इसका एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कोई फलन जब एकैकी और आच्छादक हो तभी हम उसके इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं, ये चीज याद रखिए। सबसे पहले इस फलन को हम दिखाएंगे कि एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तब उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एकैकी दिखाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा जहां यहाँ पे जब हम एफ एक्स वन की बात करेंगे तो एक्स की जगह पे एक्स वन ले लेंगे, और जब एफ एक्स टू की बात करेंगे तो एक्स की जगह पे एक्स टू ले लेंगे, बस। अब देखिए ये हो गया, तो अब माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फोर एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू, तो अब फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो एफ क्या है, एफ इज वन वन, यानी एफ, या हम ये कह सकते हैं कि एफ एकैकी है, इंग्लिश में उसको वन वन बोलते, एफ क्या है, एकैकी है, ठीक है। अब बात आच्छादक की आएगी, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या हम इसी को लिख सकते एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, इस चीज को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो जब एफ इस साइड जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा उसमें, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा ये हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया। अच्छा अब एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर जो हम एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई प्लस थ्री अपॉन फोर, ये आ गया स्टूडेंट। तो जो y प्लस थ्री अपॉन फोर है ये भी एक रियल नंबर है, ये किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, चूंकि y प्लस थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये चूंकि y रियल नंबर है तो किसी रियल नंबर में प्लस थ्री जोड़ करके चार से डिवाइड करेंगे तो वो भी रियल नंबर आएगा, तो इसलिए क्या है, f आच्छादक है, f जो है वो आच्छादक है। तो जब f आच्छादक हो गया तो इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो अब देखिए अभी हमने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, हमने लिखा था x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो देखिए x की वैल्यू कितनी थी, y प्लस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो जो f इनवर्स है वो कितना आ जाएगा, अगर हम x की केस में बात करें, ठीक है, तो f इनवर्स बराबर ये हो जाएगा y प्लस थ्री अपॉन फोर आ जाएगा, ठीक है, या हम एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू और एफ इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए, तो इस तरीके से एफ इनवर्स को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना आ गया वाई प्लस थ्री अपॉन फोर, चूंकि एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई हो गई। चलिए तो अब इसका ये, अब देखिए खा में क्या, यहाँ पे स्टूडेंट जीरो है, क्वेश्चन ये है कि जीरो से पाई बाई फोर, ठीक है, रूट के अंदर वन प्लस साइन टू एक्स। अब हम इसको इस तरीके से स्टूडेंट्स लिखेंगे कि ये रूट हट जाए, तो देखिए हम वन प्लस साइन टू एक्स को कितना लिख सकते, क्योंकि आइडेंटिटी से वन जो है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वन की वैल्यू है, साइन टू एक्स को लिख सकते हैं हम टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है,
तो ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ये आ गया। तो ये उठा के यहाँ पर हम रख देंगे, 0 से π/4 ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर है रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस कॉस एक्स होता, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और ये लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब इसको वैल्यू रख देंगे तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा -cos π/4 प्लस sin π/4 माइनस -cos 0 प्लस sin 0। ठीक है, अब स्टूडेंट cos π/4 और sin π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2 जो कि माइनस का साइन था तो माइनस में आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के 1 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। तो इसका खा जो है वो इस तरीके से आपको करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इसमें कह रहा है कि सदिश ए और बी के योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो जो मात्रक सदिश होता है यानी ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसी वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम मान लेंगे सी बराबर, यानी वेक्टर सी बराबर क्या मान लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 2i-j प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए जे कैप से जे कैप, ये प्लस का माइनस का था, तो 2i और i 3i हो गए, ये आ गया 3i कैप प्लस 5k कैप, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमें इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो सी कैप है वो बराबर हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई थी 3i+5k कैप, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3i+5k/25 और 9। ठीक है, तो 25 और 9 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, तो ये आ गया √34। अब चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते, 3/√34i कैप प्लस 5/√34j कैप, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका अनुदिश मात्रक सदिश हो गया, उसके योग के अनुदिश मात्रक सदिश आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो है ये घा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए घा वाले में क्या है, यहां भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 6/11 + 5/11 - 7/11, तो सबट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/11 आ गया स्टूडेंट, कितने आ गया, पी इंटरसेक्शन बी 4/11 आ गया। तो ये देखिए 4/11 और पी वी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5/11, तो इसका आंसर आ गया 4/5, ये हो गया। ठीक है, तो पी ए कंडीशनल बी आ गया, अब हम निकाल देंगे पी बी कंडीशनल ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, बस नीचे भर चेंज हो जाएगा, पी बी की जगह पे पी ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4/11 अपॉन में, ठीक है पी ए है तो 6/11, तो ये 4/6 आ गया, 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें जो है इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड वाला हो गया,
अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, यानी अवकल समीकरण दिया गया है। तो अवकल समीकरण क्या है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² / 1 + x² ठीक है। अब इसको स्टूडेंट पृथक्करण मेथड से, यानी वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका हमें, ठीक है, व्यापक हल ज्ञात करना। तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब एक्स वाला एक्स की साइड में ले आएंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 + x² ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डी एक्स अपॉन x² + a² इज इक्वल टू 1 / a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करके कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये केवल टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सी। जब सब टेन में है तो ये सी भी टेन में इनवर्स में आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + y(x) इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। तो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + y(x), या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जैसा आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आंसर इसका कुल मिला के यही है, ठीक है, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको हमें करना था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, तो दिक् अनुपात इतने दिए हैं, मान लीजिए दिक् अनुपात को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करें, तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 1 हो गया, सी बराबर 2 हो गया। और अगर हम दिक् को ज्यों को एल एम एन से रिप्रेजेंट करें, तो एल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये √6 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस 1 / √6 एल पहली हो गई, दूसरी क्या हो गई प्लस माइनस 1 / √6, तीसरी क्या हो गई इसको एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 / √6। तो ये आंसर हो गए आपके तीनों, ठीक है। ये देखो ज्या हो गई एक स्टूडेंट्स, ये एल हो गई हमारी, एक एम हो गई और एक एन हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये करना था आपको। गामे क्या है, देखिए दो समतलों के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें स्टूडेंट सदिश विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो इक्वेशन होती है 2x + y - 2z = 5, तो स्टूडेंट जो समतल की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + cz = ठीक है, मान लीजिए k इतना है। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे a1 b1 और c1 मान लेंगे। तो a1 = 2 आ गया, b1 = 1 आ गया, और c1 = -2 आ गया, ठीक है। कुल मिला के हमें इतना ही काम है, a1 b1 c1। इसी तरीके से यहाँ से हम दूसरे इक्वेशन से निकाल लेंगे, इस वाले इक्वेशन से, देखिए a2 = 3 आ गया, b2 - -6 आ गया, और c2 = -2 आ गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है, cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 / √ के अंदर a1² + b1² + c1² और दूसरे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a2² + b2² + c2², ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद इसको हम स्टूडेंट्स सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए a1 a2, तो a1 है 2 और a2 है 3, तो कितना आ गया 6, ठीक है। फिर ये हो गया -6, क्योंकि b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू माइनस ये है, ठीक है। अब c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -2, तो +4 अपॉन रूट के अंदर, अब ये आ जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर, वो a1 है 2, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। फिर
इधर कर दीजिए, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36 और इसको -2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये आ गया 4/√9 और ये हो गया √49। ठीक है, क्योंकि 36,449 हो गए स्टूडेंट, तो 4/√9 3 आ गया, ये 7 आ गया, तो 4/21 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/21। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से करना था, ये फोर्थ क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब देखिए ये है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यानी एक डाइस दिया गया है, ठीक है, एक पासा दिया गया है, तो पासे में जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमारा एस हो गया प्रतिदर्श या सैंपल स्पेस। ठीक है, ये है। अब इसके बाद कह रहा है प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है यानी 3 का मल्टीपल है, तो उसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 3 का मल्टीपल कौन है, 3 है और 6 है, ये आ गया। तो अब अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये 2/6 आ जाएगी। फिर एफ क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, एफ में कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करती, तो सम में कौन कौन आ जाती, 2, 4, 6। ठीक है, तो अगर हम पी एफ की बात करें तो 3/6 आ जाएगा। अब चूंकि हमें इसमें ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो ई और एफ में कॉमन कौन है स्टूडेंट्स, केवल 6 कॉमन है, ये है। ठीक है, तो अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ये 1/6 आ जाएगी। अब ये कह रहा कि ये दिखाना है कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो देखिए अगर दो घटनाएं ई और एफ स्टूडेंट स्वतंत्र तब होंगी जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ आए। ठीक है, तो अब तीनों हम निकाल चुके, देखिए पीई हमने फाइंड कर ली, पीएफ फाइंड कर ली, पी इंटरसेक्शन फाइंड कर ली, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अगर बोथ साइड इक्वल आती है 2/6 × 3/6, तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 1/6 = 1/6। सो यह अतः ई और एफ, E एवं F स्वतंत्र घटनाएं हैं। कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये हमने आज आपको 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बता दिए। अब हम बाकी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।